हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रियल इन्फॉर्मेशन 365 डेज़ की वीडियोस में एक बार फिर से एक खुश आमदीद। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको टॉप 10 ब्राउज़र्स जो कि एंड्रॉयड, पीसी और आईओएस के लिए थे, उनके बारे में कुछ डिटेल्स दी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी ब्राउज़र्स को डाउनलोड करने का तरीका बताऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने जिन ब्राउज़र्स की डिटेल्स आपको दी थी, उनमें क्रोम, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, डॉल्फिन, डॉल्फिन ज़ीरो, पफिन, गोस्ट्री प्राइवेसी ब्राउज़र एंड ओपेराफ़ॉक्स शामिल थे। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो मैं इन सभी ब्राउज़र्स के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके तो डायरेक्ट ब्राउज़र्स की इस डाउनलोड पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल क्रोम के बारे में। तो क्रोम को आप, अगर आपके पास क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, तो आप उसको यहाँ से अपडेट कर सकेंगे। तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। एंड फॉर विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10, 11 सभी के लिए ये अवेलेबल है। और यहाँ उन्होंने कुछ इंटरफेस इसके दिए हुए हैं नीचे, तो आप यहां से देख सकते हैं सभी को। इसके बाद हम बात करते हैं मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स की। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स को भी आप यहां से सिंपली जस्ट इन वन क्लिक आप यहां से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बारे में यहां इन्होंने बताया हुआ, पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हैं, बड़ा अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस विद न्यू कलर्स, कलर इसके चेंज कर सकते हैं, एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, और ये आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे उसने कुछ इसके इंटरफेसेस बताए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज की। आप यहाँ से सिंपली जस्ट इन वन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एज को डाउनलोड कर सकेंगे। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज। एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए, आईओएस, विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। बहुत ही अमेजिंग है। आप यहाँ से उनको, अगर आप मोबाइल के लिए यूज़ करना चाहते हैं एंड्रॉयड के लिए, तो वो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के लिए, आईफोन के लिए और विंडोज़ के लिए यहाँ से। आगे हम चलें तो ओपेरा की बात आ जाती है। तो ओपेरा को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करें सफारी की, तो ये एप्पल के लिए, मैकबुक के लिए और उन सभी के लिए है। ये एंड्रॉयड या दूसरे पीसीज के लिए नहीं अवेलेबल होता, तो इसलिए आप अगर मैकबुक यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़र्स हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही होता है एप्पल डिवाइसेस में। इसके बाद हम बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन बिल्कुल ओपेरा जैसा ही है। तो इसको आप आईफोन के लिए और आईफोन के लिए और एंड्रॉयड मोबाइलों के लिए यूज़ कर सकते हैं ये। इसके बाद हम बात करें डॉल्फिन ज़ीरो की, तो ये भी एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है। आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसी लिंक पे पहुंच जाएंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद हम बात करें पफिन की, तो 150 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। तो ये डेस्कटॉप के लिए, मतलब कि पीसीज के लिए भी अवेलेबल है, मोबाइल्स के लिए अवेलेबल है और स्मार्ट टीवीज के लिए भी अवेलेबल है। इसके बाद हम करें तो गोस्ट्री प्राइवेसी ब्राउज़र है, जो वो हमें ये प्रीमियम होता है, हमें इसको ख़रीदना पड़ता है। इसकी प्राइवेसी बहुत हाई रेटेड है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, आप वो जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ओपेराफ़ॉक्स की, ओपेराफ़ॉक्स भी प्राइवेसी टॉप ब्राउज़र है, मतलब कि ये हैकर्स के लिए यूज़ होता है, ये कोई निशान नहीं छोड़ता, बहुत ही अमेजिंग सा ब्राउज़र है ये। इसके बाद बस यही थे 10 ब्राउज़र्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।